वो आदमी है जिसने मेरे खिलाफ पैनल खड़ा किया है, वो आदमी सर्विस में ही नहीं है, वो आदमी डिसमिस है, और डिसमिस आदमी मेरे खिलाफ पैनल लड़ा रहा है। मतलब सोचो, और बैच से धंधा चलवाते, वो लोगों को साथ में लेके उनका बैच का व्यवसाय चलाने के लिए उन्होंने सोसाइटी में रहना चाहते हैं, और मैं वो सभासदों को बताना चाहता हूँ कि मैं ये काम गैर कानूनी काम है, कोई भी सोसाइटी में चलने नहीं देने वाला, इसलिए मेरे पैनल को ढाल तलवार निशानी पर मोहर लगाकर कामयाब की। और मैं विलास जगताप, कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघा ने जी जो जवाबदारी मेरे पे डाला हुआ है वो कास्ट्राइब पैनल की। मैंने अपने पास कास्ट्राइब पैनल से 11 उम्मीदवार खड़े हैं और हमारी सबकी निशानी है ढाल तलवार। और मैं सबको विनंती, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि ढाल तलवार को वोट देकर कामयाब कीजिए। विलास जगताप साहब मौजूद है, और सर आज जो मेडिकल पद संस्था के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप आपके जो कर्मचारी है सभासद है, तो उनसे क्या आह्वान करेंगे कि आपके हक में वोट करें? मैंने इससे पहले 2010 में भी इलेक्शन लड़वाया था, लेकिन किसी पैनल से लड़वाया था। वो पैनल से लड़वा के मैं चेयरमैन भी बना था, लेकिन उस टाइम जब मैं चेयरमैन बना तो उस टाइम उन्होंने मेरे को जो काम इल्लीगल काम बोलते थे, जो इल्लीगल काम मेरे को बोलते थे, वो इल्लीगल काम नहीं करने के वजह से मेरे को उन्होंने, बाकी जो मेरे जो संचालक थे उन्होंने रिज़ाइन दे के मेरे अविश्वास ठहराव मान्य करके मेरा चेयरमैन पद निकाला गया था। और वही लोग आज 2021 में, जबकि वो मतलब डिसमिस हुए वो आदमी है जिसने मेरे खिलाफ पैनल खड़ा किया है, वो आदमी सर्विस में ही नहीं है, वो आदमी डिसमिस है, और डिसमिस आदमी मेरे खिलाफ पैनल लड़ा रहा है। मतलब सोचो, और जो आदमी का मतलब गैर व्यवसाय जो बैच से धंधा चलवाते, वो लोगों को साथ में लेके उनका बैच का व्यवसाय चलाने के लिए उन्होंने सोसाइटी में रहना चाहते हैं, और मैं वो सभासदों को बताना चाहता हूँ कि मैं ये काम गैर कानूनी काम है, कोई भी सोसाइटी में चलने नहीं देने वाला, इसलिए मेरे पैनल को ढाल तलवार निशानी पर मोहर लगाकर कामयाब कीजिए। मतलब जब पाठ्य पुस्तक स्कूल चालू होते हैं तो स्कूल के टाइम में अर्जेंट में बच्चों को किताब या पार्टी या पेन कुछ भी लेना होता है, उस टाइम में अर्जेंट में लोन दिया जाता है 10,000 या 20,000, वो दिया जाता है। हम आपको ऐसी भी चर्चा सुनने में आई है यहाँ पर सभासदों से आपके, कि जो लोन वगैरह की मांग होती है या शादी के लिए जो मदद की जाती है पद संस्था की तरफ से, तो उनको ज़्यादा परेशानी आती है, तो आप अगर सुन के आते हैं आपका पैनल, तो क्या आप उनको जल्द से जल्द मदद दिलाने की कोशिश करेंगे, उस बारे में बताइए। भैया, मैं तो बहुत कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द लोन दिया जाए। यहाँ पे अपन जो लोन लेते हैं वो बैंक से लोन लेते हैं, 16% से लोन लेके अपन 17% से मेंबर को, अपने सभासदों को देते हैं, तो वो सभासदों को जो लोन देते हैं अपन, वो बैंक का लोन लेने की वजह से अपने को 70% से देना पड़ता है। अगर मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि बैंक का लोन जो है जल्द से जल्द नील किया जाए, और अपने कर्मचारियों को कम से कम ब्याज से लोन दिया जाए। बात बताइए, आप अगर पूरे पैनल के साथ में चुन के आ जाते हैं सभासदों के साथ में, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगे और कौन से काम इनके उज्जवल भविष्य के लिए करेंगे? मैं अगर मेरा पैनल अगर चुन के आता है भाई, तो मेरे पैनल से मैं सबसे पहले मेरे कलेक्टर के तरफ पाठ पुरावा करूँगा, संस्था के तरफ से पाठ पुरावा करके जो गायरान ज़मीन होती है वो ज़मीन लेके मेरे सभासदों के लिए जो हाउस घर है प्लॉट है वो प्लॉट के लिए सुविधा करूँगा, और मेरे सोसाइटी मतलब संस्था की तरफ से मेडिकल स्टोर चलाने के लिए जो बाहर से अभी मुंबई से डायरेक्टर ऑफिस से दिया जाता है किसी को, वो मैं अपने सोसाइटी की तरफ से लेना चाहता हूँ, और वो मेडिकल स्टोर पार्किंग जो पार्किंग है वो सोसाइटी की तरफ से चलाना चाहता हूँ।